गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा है, समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम और आस, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। अर्थात समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिले हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास विग्रह, समास में जो भी शब्द आते हैं उन्हें अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा का विग्रह है चार राहों का समूह। नेक्स्ट है समास के भेद, समास के छह भेद हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास जिन शब्दों के आरंभ में उपसर्ग जुड़े हों वे अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन और भर, ये सब जो हैं वो उपसर्ग हैं और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। नाम से भी जैसे हम पता लगा सकते हैं अव्यय में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति, भरपेट में भर, ये जो हैं वो उपसर्ग हैं जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से निकले तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ये सब जो है वो कारक की विभक्तियाँ हैं, इसमें इस विभक्तियों के द्वारा हम इस समास की पहचान जो है वो कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे रंगमंच, रंग के लिए मंच, इसमें के विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वनवास, वन में वास, इसमें में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास, इस समास में दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे मृगनयन, मृग यहाँ पे पहला शब्द है और नयन जो है वो दूसरा शब्द है। पहले शब्द के द्वारा ही यहाँ पर दूसरे शब्द की विशेषता जो है वो बताई जाती है। इसकी पहचान हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसकी पहचान जो है जब हम विग्रह करते हैं तो दोनों शब्दों के मध्य जो है वह शब्द आते हैं वो हैं जो या के समान शब्द जो हैं विग्रह करने पर आते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, मृग नयन, मृग के समान नयन। थैंक यू।